एपिसोड की स्टार्ट में वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो चिंचैन होता है वहाँ पे पेड़ पे बैठा होता है और वहाँ उसके हाथ में एक पिल का होता है, वो देख के कह रहा होता है मुझे सेवंथ ऑर्डर की पिल बनानी है, पता नहीं मैं कैसे बना पाऊंगा। तभी वहाँ पे वो भागता हुआ आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर चैन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मैं यहाँ पे नरिशिंग सीक्रेट को सीख पाया। तो कहते हैं कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये तो एक छोटा सा फॉर्म था, जिसको कहते हैं लेकिन आपको नहीं पता होगा कि मैं नॉर्दर्न हेवन प्रिजन से मुझे यहाँ पे एक्सपेल कर देता क्योंकि मैं वहाँ पे डिले हो गया। तो वहाँ पे सेवंथ एल्डर जो वहाँ के थे नॉर्थ ईस्ट आए गए, उनकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा वहाँ पे कांड हो गया था, उनकी वजह से मेरी वीकनेस थी और मैं वहाँ पे किंग वुरियन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और आपने मुझे यहाँ पे अभी अभी मॉप दिया है और मैं पिछले कई दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी पूरी तरीके से यहाँ पे हील नहीं हो पाया इतने सालों में भी, लेकिन कुछ हील मैं अभी हो पाया हूँ और सिर्फ आपकी वजह से। और अब मैं वहाँ पे किंग वुरियन में जरूर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। आखिर यहाँ पे आपको नॉर्दर्न स्काई प्रिजन ने वहाँ से बाहर को निकाला, जिसमें पूछता है कि आप डिमी नॉन पैलेस को जानते हैं, जिसपे वो कहते हैं डिमी प्लेस, जिसपे बताता है कि हाँ मैं वहाँ पे एक एल्डर था जो इथर्नल प्लेस का था, मैंने उस एल्डर को ऑफेंड कर दिया था जिसने वापस दूसरी पार्टी ने वहाँ पे मुझे वहाँ से निकलवा के बाहर फेंकवा दिया और मेरे टीचर भी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए मुझे वहाँ से इतनी ज़्यादा दूर यहाँ पे आना पड़ा और मुझे अब यहाँ पे आके यहाँ पे इस जगह का मास्टर बनना पड़ा। जिसको कहते हैं कि मेन लैंड पे डैम्स बहुत बड़ी पावरफुल प्लेस है, तो इल्यूजन पैलेस से क्यों डरती है? तो कहते होते हैं कि वो तो सिर्फ कहने की है लेकिन इथर्नल पैलेस है, वो पूरी की पूरी दुनिया पे राज करता है और वहाँ पे उससे कोई भी नहीं लड़ सकता और मुझे पावरफुल होती है। जिसपे वो वहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसका रैपिड डेवलपमेंट कुछ ना कुछ है। जिसको कहते हैं कि हम यहाँ पे डैन रूम को इस्तेमाल कर सकते हैं प्यूरिफाइमेंट के लिए, जिसको कहते हैं आप मेरा रूम इस्तेमाल क्यों ना कर लेते, आप मेरे साथ चलिए। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे लिए बस मटेरियल का वहाँ पे करो, एक रिफाइनिंग रूम में वहाँ पे हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। जिसपे वो वहाँ पे उसे अपने साथ लेके चला जाता है और वहाँ पे उसके रूम में देखते हैं कि वो वहाँ पे उसे लेके आता है, जिसके बाद वो उसे दिखाता है कि रूम आपको कैसा लगा। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तभी वो वहाँ पे एक आदमी लेके वहाँ पे लेके आता है और उसे कहता है कि लीजिए रिंग में सारे मटेरियल है। जिसको कहते हैं कि वो तो मुझे लगता है यहाँ पे बेसिक एरे शुरू करना होगा। जिसको कह रहे होते हैं कि अरे, तभी वो जो भी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट यानी कि जितने भी मटेरियल होता है सारों को बाहर निकाल लेता है और उस सभी को बाहर निकाल के वहाँ पे अपनी पावर की मदद से उन सभी को वहाँ पे बाहर भेज देता है। और हम देखते हैं कि जब वो सभी के सभी मटेरियल बाहर चले जाते हैं तो सभी वहाँ पे आपस में हवा में घूमने लग जाते हैं। उसे कह रहे होते मन में सोच रहे होते हैं तो एक लेजेंड था जिस तरीके की फैनिंग करना, तो वहाँ पे बैठ जाता है प्लोथी मार के और उसके बाद वहाँ पे अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करने लग जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन और वहाँ पे सभी सोचता है वहाँ पे खड़ा होकर आदमी किस तरीके का इंसान है। सभी वो वहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और तभी उससे अपनी जितनी भी वहाँ पे सारी एनर्जी होती है उसे एक्टिवेट कर रहा होता है और अपनी जितनी भी ब्लड एनर्जी से वहाँ पे उस पिल के अंदर की पावर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पे वो खड़ा होकर सोच रहा होता है कितनी खतरनाक है। तभी वो वहाँ पे उस पावर को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बैठ के दोनों कहता है कि आप ही मेरे साथ बैठे, तो वहाँ पे उसके साथ उसकी मदद करने लगता है। तभी वो वहाँ पे एक फ्लोवर टाइप की उसके पीछे रख देता है, वो तो पकौड़ा नेट मिले हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसके अंदर हम देखते हैं कि तो निंगियन मेथड है। तो क्या होता है सभी मेथड तो कई सालों से पहले हो गए थे और ये यहाँ पे इन सभी को जान जिसको उन्हें कहते हैं कि आप कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे, जिसको कहते हैं ठीक है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो उसे पूरी पावर से कंसंट्रेट कर रहा होता है और हम वहाँ पे लैंग फैमिली में देखते हैं तो उसे कह रहे होते हैं तेरी वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे इतनी तीन बड़ी बड़ी फौज खड़ी है। जिसको कहते हैं कि तेरी वजह से यहाँ पे सब कुछ हो गया, मुझे वहाँ पे उनके सामने हाथ फैलाने पड़े हैं और उसे कहते हैं कि मुझे मार दे जितनी भी इंपीरियल सिटी में जितनी भी फौज है सभी को तैयार कर। जिसपे वो कहते हैं लेकिन वो वहाँ पे है, हम उस आदमी को कैसे मार सकते हैं? जिसपे वो कहते हैं तू वहाँ पे भूल गया? तो कहते हैं अच्छा सभी घूम में याद है वहाँ पे पॉइजनस रिसीपल है। तो कहते हैं कि आप याद मैं आपको बहुत अच्छी खबर दूंगा और वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। और वहाँ पे दैन पविजन में देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी कंडेंस होती चली जा रही होती है और वहाँ पे जो पिल होती है वहाँ पे बनती होती है। तो वो कह रहे होते हैं कैसे मुमकिन है, ये तो अभी किंग वुरियन पे भी नहीं पहुँचा और वहाँ पे इस पिल को रिफाइन कर रहे हैं। और वो वहाँ पे कह रहे होते हैं अगर हमें मन में सोच रहा होता है कि अगर हमें किंग पिल को रिफाइन करना होता है तो हमें वहाँ पे किंग वुरियन पे होना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो ये सब कुछ यहाँ पे कंडेंस कर पा रहा होता है। जिसको कह रहे होते हैं कि लगता है कि मुझे इसकी वजह से किंग वुरियन में मैं कल्टिवेट कर पाऊंगा वरना मैं कभी भी किसी भी रन में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पिल भी बन जाती है और पूरा का पूरा दैन पगोड़ा भी वहाँ पे उस पिल के धमाके से हिल रहा होता है और वहाँ पे हम देखते हैं पिल भी रिफाइन हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे जो चिंचैन होता है वो वहाँ पे उस पिल को बना देता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा पावरफुल रोशनी बाहर आ जाती है और तभी वहाँ पे हर तरफ ये रोशनी फैलने से ली जाती है। जिसके बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे वो वापस से सभी चीज़ें वापस नॉर्मल होती है और पिल बन जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पे खुश हो जाता है जो वहाँ पे ओनर होता है कि यहाँ पे आके एक पिल बन के सेवंथ ऑर्डर है। जिसपे चिंचैन वहाँ पे एक पिल लेता है और वो उसे दे देता है तो वो वहाँ पे उस पिल को देता है कि तूने मेरी मदद करी तो इस पिल का अवतार तू है। जिसपे वो कहते हैं नहीं नहीं मैं इतनी वो चीज नहीं ले सकता। और तभी वो कहते हैं तो क्या तू यहाँ से किंग वुरियन पे ब्रेक निकालना चाहता? इसे मेरी तरफ से एक दुख समझिए और अपने इतने सालों
उसकी हार्ड मेहनत। तो ये भी एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।